है आपके सामने, दैट इज आइडियली शेल। शेल को हम इंटरैक्टिव मोड या इमीडिएट मोड भी कहते हैं। सो यहाँ पर जैसे ही हम कमांड्स लिखते हैं, ये हमें साथ के साथ उसका आंसर शो कर देता है, लाइक 7 + 7 = 14, 8 - 4, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी काम, जो भी काम है आप एक सिंगल स्टेटमेंट में देते हो और आपका रिजल्ट साथ के साथ आ जाता है। सो एज सून एज अ स्टेटमेंट इज ओवर इट शोज यू द रिजल्ट, ठीक है। बट आप ऐसे नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपके पास काफ़ी सारे स्टेप्स हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मुझे पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाना है। सो इफ़ आई हैव टू मेक अ प्रोग्राम आई विल बी राइटिंग इट इन स्क्रिप्ट मोड। सो वेन वी हैव मोर देन वन स्टेटमेंट एंड यू वॉन्ट ऑल ऑफ देम शुड बी एग्जीक्यूटेड टुगेदर, एक ही साथ एग्जीक्यूट हो सारी, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। कैसे, फाइल मेन्यू पे जाएंगे और न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जिससे आपके पास ये ब्लैंक फाइल आ जाएगी जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो। इस मोड को स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट मोड। पाइथन में एक बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है जिसका नाम है प्रिंट। प्रिंट आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, वट एवर इन साइड द कोट, सिंगल या डबल कोई भी कोट्स लगा सकते हैं। पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप जो भी लिखोगे स्मॉल लेटर्स में लिखोगे कमांड को। सो प्रिंट जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, पर डबल कोट्स के अंदर जो मैसेज आप लिख रहे हो वो आप जैसे मर्जी लिखो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो राइट इट एज यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है। अभी मेरे को एक ही कमांड लिखनी है, तो मैं इसके बाद इसको करती हूँ सेव। तो मैं फाइल पे गई और फिर मैं सेव पे गई और मैंने इसका नाम दे दिया PRG1। सो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, दैट्स टोटली योर विश। सो ये कहाँ पे सेव होगा, जहाँ पर भी आपकी सेटिंग्स होंगी, लाइक मेरा डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव होता है, आप अपना देख सकते हो कहाँ पर सेव हो रहा है। रन पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट की है F5, सो F5 भी प्रेस कर सकते हो, अदरवाइज रन मेन्यू पे क्लिक करके रन भी कर सकते हो, एंड इट इज़ शोइंग द नेम ऑफ योर प्रोग्राम अलॉन्ग विद द पाथ, एंड यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो, क्योंकि मैंने एक ही लाइन लिखी थी, है ना। सो प्रिंट एक और लाइन लिख रही हूँ जहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आप चाहो तो और भी लाइन्स लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट थैंक यू, ठीक है। सो अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हो गई हैं, तो ये इन तीनों स्टेटमेंट्स को रन करेगा एक के बाद एक। सो व्हेन आई क्लिक ऑन रन, आप सेव ज़रूर करेंगे, जब भी आप प्रोग्राम में चेंजेस करते हैं तो मेक श्योर आप उसे पहले सेव करें और फिर आप उसे एग्जीक्यूट करें। तो ये दिखा देगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, हेलो वेलकमिंग टू पाइथन प्रोग्रामिंग थैंक यू। सो वेलकमिंग इज़ जस्ट अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, उससे भी वो एरर नहीं देता, वो हमारी इंग्लिश की मिस्टेक है, पाइथन की मिस्टेक नहीं है, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, इसको फिर से सेव कर सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इट इज़ गिविंग यू दिस मैसेज। तो आप जितनी मर्जी बार चाहो प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आप कोई प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हो, हर मैसेज एक नेक्स्ट लाइन पर शो होता है। आई कैन कीप इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज आई वॉन्ट। लिखना कैसे है, प्रिंट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, कोट्स के अंदर जो भी मैसेज आप प्रिंट करना चाहते हो, जिस केस में प्रिंट करना चाहते हो, स्मॉल में करना है स्मॉल में लिखो, कैपिटल में करना है कैपिटल में लिखो, एंड इट शुड बी इन द राउंड ब्रैकेट्स। तो इसे हम आउटपुट स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटपुट स्टेटमेंट। सो जैसे प्रिंट होता है आउटपुट के लिए, वैसे ही आपके पास इनपुट होता है इनपुट के लिए, मतलब यूजर से रीड करने के लिए, क्योंकि हम प्रोग्राम अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं, हम तो प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि हम किसी और के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकें आफ्टर अ सर्टेन टाइम। सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू सॉफ्टवेयर, तो मुझे यूजर से इनपुट भी चाहिए और इसके लिए इनपुट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम इनपुट और यहाँ पर मैसेज जो उसको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे, तो मैंने उसको पूछ लिया कि भाई एंटर योर नेम। सो एंटर योर नेम एंड नाउ आई वॉन्ट टू प्रिंट हेलो टू दैट पर्सन, ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पर डबल कोट्स में ऐसे लिख देते हो हेलो नेम, इसको मैं सेव करती हूँ, इसको मैंने सेव किया PRG2 के नाम से, ठीक है, एंड मैंने इसको रन किया, तो ये पूछेगा एंटर योर नेम, आई एंटर अंजलि। सो वो हेलो अंजलि प्रिंट करना चाहिए ना, पर वो हेलो अंजलि प्रिंट नहीं कर रहा है, वो तो क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो नेम। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस चीज़ की वैल्यू प्रिंट करनी है वो कोट्स के बाहर होना चाहिए, जो चीज़ कोट्स के अंदर है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो प्रिंट हेलो, सो ये कोट्स के अंदर है, इसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा, कॉमा आई वॉन्ट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नेम, तो मैंने लिखा प्रिंट हेलो नेम।
तो इससे अब क्या हो जाएगा कि जो भी नाम एंटर होगा उसकी वैल्यू आएगी, वो नेम वर्ड प्रिंट नहीं करेगा. सो दिस टाइम इफ आई एंटर अंजलि, इट्स प्रिंटिंग हेलो अंजलि, राइट. अगर मैं कुछ और इनपुट करती हूँ, मैंने इसको दोबारा से रन किया और इसने मुझसे पूछा एंटर योर नेम, आई एंटर कीर्ति, सो इट एंटर प्रिंट्स हेलो कीर्ति लाइक दैट. ठीक है, सो आप जो भी नाम एंटर करोगे वो उसको शो कर देगा. सो ये तो हो गया इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे कराते हैं. अब इससे ज़्यादा अगर हम आगे चलते हैं तो हम कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. कैलकुलेशंस लाइक आप चाहते हो कि आप यूज़र से एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करवाना चाहते हो, तो आप रेडियस पूछोगे, है ना. सर्कल का आपको याद होगा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो रेडियस कैलकुलेट करना है मुझे, रेडियस यूजर से पूछना है और एरिया कैलकुलेट करना है. तो कैसे कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू एंटर रेडियस ऑफ द सर्कल. सो जो भी मैसेज आप दोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, जो वैल्यू यूजर लिखेगा वो रेडियस नाम के वेरिएबल में आ जाएगी. इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल. ये हम डिटेल में करेंगे वेरिएबल एंड ऑल क्या होता है, बट अभी के लिए इट्स अ लोकेशन जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है. ठीक है, ऐसे आपने नाम दे दिया एरिया. पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है. स्टार साइन इज यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन इन पाइथन. तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. ठीक है, सर्कमफ्रेंस भी अगर निकालना चाहते हो तो सर्कमफ्रेंस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस. तो बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मूलाज लिखने हैं और अब आप उनको प्रिंट कराना चाहते हो. तो आपने लिखा एरिया इज, ये एज इट इज मैसेज प्रिंट होना चाहिए इसलिए कोट्स में है. फिर मैं कॉमा दूंगी और मैं वेरिएबल का नाम लिखूंगी जिसकी वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है. सो एरिया इज कॉमा एरिया, उससे क्या होगा, एरिया इज तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद एरिया वेरिएबल की वैल्यू. सिमिलर वे यू हैव टू टेक सर्कमफ्रेंस इज और वो क्या है, सी आई आर. सो इसको हम सेव करते हैं और इसको रन करते हैं. अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, मैं जैसे ही नंबर एंटर करूंगी इट विल गिव मी एन एरर. जैसे ही मैंने रन किया वो क्या कह रहा है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट. तो वो क्या कह रहा है कि जो यूज़र इनपुट करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेता पाइथन उसको. सो जब हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको टेक्स्ट लेता है, वो उसको नंबर नहीं लेता. अब वो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेगा, तो आपको पाइथन को बताना पड़ेगा कि भाई जो इनपुट होके आ रहा है वो एक फ्लोट है. सो फ्लोट स्टैंड्स फॉर नंबर्स इन पॉइंट्स, जहाँ पर आपका जो नंबर है वो फ्रैक्शनल पार्ट में होता है, पॉइंट में होता है, तो उसे हम फ्लोट कहते हैं. और जब आपका होल नंबर होगा जिसमें पॉइंट हो ही नहीं सकता तब आप उसे इंट लोगे. सो इफ इट इज़ इन फ्रैक्शनल पार्ट इट इज़ फ्लोट, लाइक 7.5 -2.9 पॉइंट में आ गया तो फ्लोट है, और अगर पॉइंट में नहीं है तो वो आपका इंट होता है, राइट. सो जैसे जैसे आप करोगे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी, बट मैंने सिर्फ इतना सा चेंज किया कि उसके आगे फ्लोट लगा दिया. और अब इसको सेव करेंगे और हम इसको रन करेंगे. Now I enter a radius and I will be getting the area as well as circumference of the circle. है ना, आगे आउटपुट यही चाहिए था. अब आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार रन कर सकते हो. जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार वो आपसे रेडियस पूछेगा. जो भी रेडियस हम एंटर करेंगे, वट एवर रेडियस वी एंटर, इट इज़ गोइंग टू शो अस द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस फॉर दैट. सो इवन अगर मैंने 23.6 भी एंटर कर दिया तो उसका भी एरिया और सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके दे देगा. सो वट एवर यू एंटर, वट एवर, छोटी से छोटी वैल्यू एंटर कर लो, बड़े से बड़ी वैल्यू एंटर कर लो, जब भी आप इसको रन करोगे और वो आपको उसके बदले में कैलकुलेट करके दे देगा. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी राइट प्रोग्राम्स इन पाइथन. दे ऑलवेज वर्क इन 3 steps, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. सो इनपुट लो, प्रोसेसिंग करो, आउटपुट दो, फाइन. सो हमेशा याद रखोगे ये चीज़. तो अब ये प्रोग्राम आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर में बना के देखोगे, तीनों प्रोग्राम्स जो मैंने आपको करके दिखाए हैं. सो ट्राई मेकिंग दीज 3 programs इन योर कंप्यूटर, और अगर आप फ़ोन से कर रहे हो तो पाइड्रॉइड ऐप में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो. इसके साथ साथ एक प्रोग्राम और ट्राई कर सकते हो, दैट इज़ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. तो आपको यूजर से लेंथ और ब्रेथ पूछनी है.
और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा, पैरामीटर इज 2 इंटू एल प्लस बी. सो इनपुट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया एंड पैरामीटर एंड प्रिंट द सेम. दैट्स योर होमवर्क, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस लेसन. इसको अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको पाइथन कैसी लगी, एग्जीक्यूशन समझ आई नहीं आई, इंटरेस्टिंग लगी, कैसा मज़ा आया कोड रन करने पर. सो डू शेयर योर ओपिनियन, डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स. लाइक द वीडियो इफ़ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट. सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ 11th 12th ही नहीं, बीटेक बीएससी बीसीए से रिलेटेड सारे कोर्सेज भी मिलेंगे. एंड या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.